अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान और आप देख रहे हैं अरसल था एक यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि किस तरह हम अपने मोबाइल और एसडी कार्ड से वीडियो को रीड करेंगे और उसे रिसाइकलर व्यू में शो करवाएंगे। सो हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि किस तरह हम एडाप्टर क्रिएट करते हैं, हमने अपनी कस्टम लेआउट क्रिएट किया था वीडियो के लिए, और इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि सारी वीडियोज़ को रीड करेंगे मोबाइल और एसडी कार्ड में से और हम उसे रिसाइकलर व्यू में शो करेंगे। सो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप सिंपली वहां से उसे देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। सबसे पहले अब आपने क्या करना है, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को ओपन करना है और हम उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। अब आपने आ जाना है अपनी मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में आने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें डिक्लेयर करेंगे जो हम अपने होल प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रिसाइकलर व्यू डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, माई रिसाइकलर व्यू। अब ये रिसाइकलर व्यू को क्या करेंगे कि हम इसको जो हमने अपनी मेन एक्टिविटी के लेआउट में जो रिसाइकलर व्यू यूज़ किया था उसके साथ हमें इसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, वो हम यहाँ पर इसकी कास्टिंग कर देंगे, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह करते हैं। इज इक्वल टू रिसाइकलर व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट लिस्ट व्यू रिसाइकलर। ये हमने अपने रिसाइकलर व्यू के को उसके साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर एडॉप्टर क्रिएट किया था, अब इस एडॉप्टर का हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इस एडॉप्टर को क्योंकि हमने यहाँ पर इसे यूज़ करना है, ठीक है, ओबीजे यहाँ पर एडॉप्टर, ठीक है, एडॉप्टर का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर एक यूज़ करने वाले हैं परमिशन, ठीक है, यहाँ पर हम उसे डिक्लेयर कर लेते हैं पब्लिक स्टैटिक इंट परमिशन इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पर कोई भी इसे असाइन कर देते हैं, वन करें टू करें जो भी करते हैं आप वो कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फाइल और यहाँ पर डी आई आर टी डायरेक्ट्री, हम यहाँ पर फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नेम है डायरेक्ट्री और इसका मैं यूजेज आपको बताऊँगा कि ये क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे अपने ओन क्रिएट मैथड के अंदर और यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले तो हम इस डायरेक्टरी को हम लोकेशन पास करेंगे। अब ये डायरेक्टरी क्या करेगी कि हमारे फ़ोन में हमारा जो एसडी कार्ड है उसके साथ हमने इसे क्या करना है कि जितनी भी फाइल्स होंगी वो हम उसका पाथ नेम इसको असाइन करेंगे, ठीक है, उसे पाथ नेम जो है वो पास कर देंगे। होगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं, वो मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ये कि जब हम इसके कंस्ट्रक्टर में फाइल पाथ पास करते हैं इस तरह, देखें स्लैश एम एन टी स्लैश, इसका ये मतलब है कि ये डायरेक्टरी क्या करेगी कि हमारे फ़ोन और हमारे एसडी कार्ड दोनों को एक्सेस करेगी, उसके अंदर से फाइल रीड करेगी और वो हमें शो करवा देगी। मैं इसके साथ लिख देता हूँ, ठीक है, फ़ोन एंड एसडी कार्ड, ठीक है, ये हो गया फ़ोन मेमोरी कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी आसानी हो इसे अंडरस्टैंडिंग में। उसके बाद हम इसे कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी करके मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर अगर तो आप अपने जस्ट जो एसडी कार्ड है उसके अंदर से स्कैन करना चाहते हैं फाइल्स को तो आप ये स्टोरेज यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ मेमोरी कार्ड और एसडी से करना चाहते हैं तो आप ये करेंगे, ठीक है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि अपने मोबाइल और एसडी कार्ड जितनी भी फाइल्स हैं उनको हम एक्सेस कर देते हैं। इसे मैं कमेंट में कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट्स में, ताकि आप जस्ट इसे रीड कर सकें। हमने यहाँ पर इसे फाइल पाथ पास कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, मैनिफेस्ट में आना है। मैनिफेस्ट में आकर हम यहाँ पर कुछ परमिशंस को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, यूजर्स परमिशन, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक और यूज़ करेंगे, यूजर्स परमिशन रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, ये दो परमिशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम अगेन अपने मेन एक्टिविटी में आएंगे। मेन एक्टिविटी में आने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब हमारा रिसाइकलर व्यू शो होता है तो हम उसे बताते हैं कि कितने जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो बने हमारे रिसाइकलर व्यू के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो चीज़ यूज़ करते हैं वो करते हैं ग्रिड लेआउट मैनेजर। इस ग्रिड लेआउट मैनेजर से हम क्या करते हैं कि हम रिसाइकलर व्यू के अंदर जितने भी कॉलम्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा बाद में रन टाइम पर भी,
यहाँ पर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे दिस, और उसके साथ हम यहाँ पर कॉलम पास कर देते हैं जितने भी हमने यहाँ पर क्रिएट करने हैं। और हमारा जो रिसाइकलर व्यू है, माय रिसाइकलर व्यू, उसके ऊपर हम यहाँ पर लेआउट मैनेजर को सेट कर देते हैं, सेट लेआउट मैनेजर, और उसके अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये हमने ये वर्किंग अपनी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक कॉल करूँगा परमिशन फॉर वीडियो, ये मैं एक मेथड को कॉल किया है लेकिन अभी मैंने उसे क्रिएट नहीं किया, तभी वो जो एरर जनरेट कर रहा है। फंक्शन को मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, इस फंक्शन के अंदर बेसिकली मैं रन टाइम परमिशंस को हैंडल करूँगा क्योंकि मैंने अपने एसडी कार्ड, अपने फ़ोन की मेमोरी को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ कंडीशंस यूज़ करना पड़ेंगी। मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था कि ये परमिशंस हम क्यों यूज़ करते हैं। सो जल्दी से मैं उसे टाइप कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि क्या मैंने टाइप किया है, किस लिए किया है। सो आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी वो मैंने यहाँ पर जो है वो यूज़ कर ली हैं। बेसिकली यहाँ पर होगा क्या कि सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन को अपनी रन करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन होता ही है कि फ़र्स्ट टाइम उस वो जो एप्लीकेशन है उसने जो रिसोर्सेज यूज़ की हैं मोबाइल की, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, सबसे पहले तो वो चेक करेगा कि आया कि जो परमिशन है वो यूज़र उसे अलाउ करता है कि नहीं करता। अगर यूज़र अलाउ करता है तो तब जाके जो एप्लीकेशन है वो मोबाइल की रिसोर्सेज को यूज़ करती है। तो तब हमने ये सारी इंस्ट्रक्शंस, ये कंडीशंस जो है वो यूज़ की हैं ताकि हमारा जो भी एप्लीकेशन है वो हमारी जो जो मोबाइल की रिसोर्सेज हैं रीड एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन है उसे यूज़ करें। उसके बाद हम यहाँ पर एक और एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे जिसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं ऊपर एक और जो वो बूलियन वैल्यूएबल जो है वो यूज़ करता हूँ, ठीक है, जिसको मैं बूलियन वैल्यू के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, कंडीशन के लिए यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ जी बूलियन, ठीक है, परमिशन, ठीक है, ये मैं यहाँ पर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने एल्स लगाया है इस एल्स के अंदर मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ बूलियन परमिशन इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर गेट फाइल का एक मेथड जो है वो कॉल कर रहा हूँ, ये मेथड अभी मैंने क्रिएट नहीं किया लेकिन मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। और होगा क्या कि मैं अपने इस मेथड को क्रिएट करूँगा तो ये जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो मेरा एडॉप्टर है उसे मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है, माय एडॉप्टर, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा और सेकंड चीज़ जो हमारे पास आएगी वो आएगी हमारी लिस्ट आएगी, ठीक है। कौन सी लिस्ट आएगी जो हमने यहाँ पर जो वो क्रिएट अभी नहीं की, ये हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अब अपनी एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसका जो मॉडिफायर है उसे मैं रखता हूँ पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पर एरे लिस्ट। इसके अंदर जो टेम्पलेट है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फाइल टाइप का, और यहाँ पर हम रख लेते हैं फाइल लिस्ट, फाइल एरे लिस्ट रख लेते हैं, कोई भी नेम आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू ऑफ एरे लिस्ट, ठीक है। लिस्ट मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज भी कर ली, डिक्लेयर भी कर ली, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको पास कर देता हूँ, ठीक है, फाइल एरे लिस्ट को। तो ये हमारा जो एडॉप्टर है वो इनिशियलाइज भी हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस एडॉप्टर को मैं जो है वो सेट कर देता हूँ, ठीक है, रिसाइक्लर व्यू के ऊपर, माय रिसाइक्लर व्यू डॉट सेट एडॉप्टर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट एडॉप्टर मैं इसके ऊपर जो है वो सेट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मुझे एरर जनरेट कर रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ मैथड क्रिएट करता हूँ तो एरर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। अब गेट फाइल के मेथड के आने से पहले मैं यहाँ पर एक और मेथड जो वो क्रिएट करता हूँ, ठीक है, रन टाइम परमिशंस के लिए, जो है ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, ये मेथड, ठीक है, ये मेथड मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। इसके अंदर भी हम कुछ कंडीशंस जो वो यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो अपनी रिसोर्स जो है वो मोबाइल की यूज़ कर सके, ठीक है। रिक्वेस्ट परमिशन इज इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी जी, इसके अंदर कुछ कंडीशंस आ जाएंगी, ये कंडीशंस बेसिकली हमारे पास ये कंडीशंस हैं, ठीक है, इनको ही हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमने कंडीशन लगाई है ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट के इफ स्टेटमेंट के अंदर हम इसे जो वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हमारी
इधर जब हम अलाउ कर देंगे, जब आपके पास मैसेज शो होगा कि आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए ये आपकी रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, तो आप इसे अलाउ करें। तो अगर आपने अलाउ कर दिया तो होगा क्या कि जो फाइल्स होंगी वो आपको रिसाइकलर व्यू में शो करवा देंगे, और यहाँ पर जो रिसाइकलर व्यू है वो उसके ऊपर एडाप्टर भी सेट कर देगा। अदरवाइज़ हम एक मैसेज शो करवा देंगे कि भाई आप जो वो अपनी परमिशन को अलाउ करें, ठीक है, प्लीज़ अलाउ दी परमिशन, ठीक है, ये हम मैसेज जो है वो शो करवा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने मेथड के ऊपर आते हैं इस मेथड के अंदर, और यहाँ पर हम अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उनको यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर अगेन एक मेथड क्रिएट करता हूँ, एरे लिस्ट। अब ये लिस्ट कौन सी टाइप की है, फाइल टाइप की है, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपनी वीडियो फाइल्स जो है वो स्टोर करवा रहा हूँ, जिन्हें रिट्राइव करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक जो है वो पैरामीटर ले रहा हूँ डायरेक्टरी का, ठीक है। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी देख लेते हैं, ठीक है, ये हमें एरर जनरेट कर रहा है, ये भी रिजॉल्व हो जाएगा जब हम इसको कम्प्लीटली देखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर एक फ़ाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, लिस्ट फाइल, ठीक है। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, ये जो डायरेक्टरी का पैरामीटर है इसको यूज़ करते हुए जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें जो वो हम यहाँ पर गेट करते हैं, और हमने कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ लूप्स यूज़ करते हुए उन फाइल्स को रिकर्सिवली जो है वो हम गेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर हम एक और फॉर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम अपनी फाइल्स को फोल्डर पे फोल्डर स्कैनिंग कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं और लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें डिफरेंट लूप्स, डिफरेंट कंडीशंस जो वो यूज़ करना पड़ रही हैं, ठीक है। आप इसको फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, ताकि आपका कोई एरर या कोई आपसे कोई मिस्टेक ना रह जाए, ठीक है। इसके अंदर हम एक और इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, लिस्ट डॉट इज़ डायरेक्टरी, ठीक है। और इसके अंदर हम अगेन रिकर्सिवली इस मेथड को जो वो कॉल कर देंगे, ठीक है। सॉरी, ये मेथड नहीं है, मेथड है हमारा गेट फाइल, ये वाला मेथड है, ठीक है। ये मेथड हम इसके अंदर रिकर्सिवली अगेन जो वो कॉल कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद हम इसके बाद एल्स में आ जाएंगे। एल्स के केस में हम देखते हैं कि हमने कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो वो यूज़ करनी है और इसके अंदर कौन सी कंडीशंस जो वो यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पर अब हम बूलियन जो परमिशन है उसे यहाँ पर फॉल्स कर देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर अगेन एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। इस इफ़ के अंदर हम देखते हैं कि हमने कौन सी कंडीशंस जो है वो यूज़ करनी है। अब यहाँ पर जो चीज़ आपने पास करना है, बेसिकली इसे हम सफिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन पास करेंगे, ठीक है, अपनी वीडियो की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो वीडियो है वो है MP4 टाइप की, तो आपने यहाँ पर MP4 जो है वो पास करना है, ठीक है। उसके बाद हम अगेन एक और फॉर लूप लगाएंगे मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0 और जे इज़ लेस देन फाइल लिस्ट डॉट, ठीक है, और जे को हम क्या कर देंगे यहाँ पर इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने इस लूप के अंदर अगेन एक और इफ स्टेटमेंट लगानी है, ठीक है, अरे फाइल लिस्ट, ठीक है, डॉट गेट, इसके अंदर इंडेक्स जो हमारा आ जाएगा वो जे डॉट गेट नेम डॉट इक्वल्स। अब ये जो इक्वल्स आएगा ये हमारे पास आएगा लिस्ट ऑफ फाइल, ठीक है, इसके अंदर हम आई पास कर देंगे डॉट गेट नेम, यहाँ पर हमारे पास कंपैरिजन होगा बेसिकली। एल्स को हम यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं, या एल्स हम यूज़ ना भी करें तो कोई जो है वो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर अपनी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर रही हैं। अभी ये हमें एरर जनरेट कर रहा है और हम सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे अपनी फाइल लिस्ट को, ठीक है। यहाँ पर फाइल लिस्ट, फाइल लिस्ट बेसिकली नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अरे फाइल लिस्ट, फाइल अरे लिस्ट, बिकॉज हमने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया था। सो हमने अपनी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी, जितना भी कोडिंग थी वो कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह वो हमारे मोबाइल से वीडियोस को स्कैन करेगा और उसे रिसाइकलर व्यू में शो करवाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एरर जनरेट हो चुका है। देखते हैं कि ये एरर कौन सा है, यहाँ पर हमारे पास ये एरर जनरेट हुआ हुआ है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर जो वो कॉलन सही जो है वो यूज़ नहीं किए हुए थे, जिसकी वजह से हमें जो है वो एरर जनरेट हो गया था। सो अगेन हमने अपनी एप्लीकेशन को रन किया और इस बार हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क करेगी।
सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन जो रन हो चुकी है, और सबसे पहले उसने क्या कहा है कि आप अगर अलाउ करेंगे तो आपकी जो जो स्टोरेज होगी आपकी एप्लीकेशन को परमिशन मिलेगी, अगर आप डिनाई करेंगे तो आपकी जो वीडियोस होंगी वो रिट्राइव और वो रीड नहीं कर सकेगी एप्लीकेशन। सो हम यहाँ से क्या करते हैं, अलाउ। तो जो ही हमने अलाउ किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर शो हो चुकी है, ठीक है। लेकिन हमें कोई भी वीडियो कोई भी हमें क्यों नहीं शो हुई, इसलिए नहीं शो हुई कि हमने अभी एक काम मिसिंग कर दिया। वो क्या मिस किया है कि हम अपने अडॉप्टर में यहाँ पर एक चीज़ मिस कर चुके हैं, और मैंने आपको कहा था कि वो हम जो काम है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा मेथड है ऑन बाइंड व्यू होल्डर, इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो हम नेम है फाइल नेम उसे हम टेक्स्ट व्यू के अंदर शो करवाएंगे, और जो हमारा थंबनेल है वीडियो का उसे इमेज व्यू में शो करवाएंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, वीडियो होल्डर डॉट टेक्स्ट फाइल नेम, ठीक है, डॉट सेट टेक्स्ट। अब टेक्स हम बेसिकली कहाँ से लेंगे, जो मेन एक्टिविटी है में हमारी एरे लिस्ट थी उससे हम यहाँ से गेट करेंगे, ठीक है। मेन एक्टिविटी डॉट एरे फाइल एरे लिस्ट डॉट गेट, और इसके अंदर हम यहाँ से जो हमारे पास क्या है आई है, ये बेसिकली हमारे पास पोजीशन का काम करता है, ठीक है, इंडेक्स का, वो हम यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे डॉट गेट नेम, ठीक है। तो जो हमारा नेम होगा फाइल का वो टेक्स्ट व्यू के अंदर शो हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो थंबनेल है उसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम करते हैं जी बिटमैप वीडियो एरे लिस्ट, ठीक है, डॉट गेट, उसके अंदर हम पोजीशन को स्टोर करेंगे, पोजीशन नहीं हमारे पास बेसिकली आई आएगा, ठीक है, डॉट गेट पाथ, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, मीडिया स्टोर डॉट इमेजेस डॉट, यहाँ से आप बेसिकली हमारे पास आ जाएगा जी थंबनेल्स डॉट, हम क्या करते हैं यहाँ से मिनी किम यूज़ करते हैं, ठीक है, मिनी किम, और मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे कि जो हमारा होल्डर है, होल्डर के अंदर हमारा जो इमेज व्यू है यहाँ पर इमेज थंबनेल के नाम से जो हमने क्रिएट किया था उसके ऊपर हम यहाँ से सेट इमेज बिट मैप करके ये जो बिट मैप का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सेट कर देंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि हमारी जो भी हमारी इमेज और हमारे जो टेक्स्ट होगी फाइल का नेम होगा वो हमें शो हो जाएगा, ठीक है, इमेज के साथ। अब हम क्या करते हैं, अगेन अपनी एप्लीकेशन को रन। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपके मोबाइल में जितनी भी वीडियोस थी उसने क्या किया, रीड किया और इसे लिस्ट व्यू के अंदर या कार्ड व्यू के अंदर यहाँ पर शो करवा दिया है, ठीक है। सो ये हमारे पास थंबनेल था वो भी हमें यहाँ पर उसने शो करवा दिया है, और हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो हमें शो हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर फाइल नेम नीचे आ रहा है, यहाँ पर ऊपर आ रहा है, और कुछ स्पेस है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इस स्पेस को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। सो आपने क्या करना है, वीडियो आइटम के फाइल में जाना है, ठीक है। इस फाइल में आने के बाद आपने बेसिकली करना यह है कि हमारा यहाँ पर ये तो दो व्यूज़ हैं, ये बिल्कुल ठीक एक्यूरेट यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है। आपने करना यह है कि जो हमने लीनियर लेआउट यूज़ किया है इसकी हाइट को आपने सिंपल रैप कंटेंट कर देना है, ठीक है, ताकि वो हमारे पास बिल्कुल सेटिंग में आ सके, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अगेन अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या उसमें चेंजेस आई हैं और किस तरह वो हमें लुक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखें ये जो स्पेस है ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन जो रन हो चुकी है और तमाम वीडियोस स्कैन होकर हमारे पास इस लिस्ट व्यू में शो हो चुकी हैं। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो वीडियोस हैं इन्हें हम देखेंगे कि किस तरह हम इन वीडियोस को प्ले करते हैं अपने वीडियो प्लेयर पर। सो ये जो वीडियोस थी ये इसने SD कार्ड और मेमोरी लोकेशन फ़ोन की मेमोरी है उन दोनों में से इसको रीड करके इसने इस रिसाइकलर व्यू में शो करवाई हैं। सो अब हम अपनी नेक्स्ट व्यू वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हम इन वीडियोस को प्ले करते हैं वीडियो प्लेयर पर। सो आपकी कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट्स में मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। अगली वीडियो तक अरसल टेक की तरफ से अल्लाह हाफिज़।